प्लानिंग। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। हम बहुत कुछ प्लान करते हैं अपनी लाइफ में और उम्मीद करते हैं कि चीजें वैसी ही होंगी जैसे हमने सोची थी, पर कई बार किस्मत का प्लान कुछ और ही होता है। और इस बार के स्पीति ट्रिप में हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। राइडिंग पैंट पहननी है, राइडिंग शूज पहने हैं, जैकेट और हेलमेट। और आपको दिखाते हैं अपनी बाइक की रेडीनेस। ये देखो, ये खड़ी अपनी स्क्रैम्बलर और ये हिमालयन। हिमालयन थोड़ा रेस्ट पे है और अपनी स्क्रैम्बलर चमक रही है। ये अपनी न्यू लाइट्स, फॉग लैंप निकाल देंगे, टेल बैग और एक साथ में अपना टॉप बॉक्स जीविका। ऑल सेट स्पीति वैली के लिए। और अपने साथ में है विनय और राजेश। विनय और राजेश दोनों के पास में है हिमालयन 450 और अपने पास अपनी स्क्रैम्बलर 400X। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड नाइट हो रही है, पता ही नहीं लग रहा भाई। पटाखे फूट रहे हैं, इंडिया जीत गया, फूट रहे हैं। हम निकल रहे हैं स्पीति वैली के लिए, तो गुड मॉर्निंग ही है भाई हमारे लिए तो। गुड मॉर्निंग। और भयंकर मतलब ह्यूमिड मौसम हो रहा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, अभी पहाड़ों में पहुंचने वाले हैं। चलो जी, रॉक एंड रोल स्टार्ट करते हैं। ट्रिप मीटर अपना हो गया है जीरो। ये देखो, मैंने आपको 12 बजे गुड मॉर्निंग कही थी, अभी 1:15 बज गए हैं। उसका क्या रीज़न है आपको आगे मालूम चलेगा। ये अपनी न्यू ऑक्साइड। चलो जी, लेट्स रॉक एंड रोल। वाओ, तो ट्रेवल टाइम दिखा रहा है 14.5 घंटे का और हम देखते हैं कितने देर में पहुंचेंगे चित्कुल या फिर कैसे रहेगा, क्योंकि अभी जो है शिमला में है बारिश का फोरकास्ट। मॉनसून ऑलरेडी आ चुका है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्री मॉनसून चल रहा है। तो अभी पता नहीं है कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, नो आइडिया। जस्ट हमारा फोकस जो है वो चित्कुल की तरफ है। एंड सेकेंडली, हाँ, हम लेट क्यों हुए हैं उसका रीज़न ये है कि भाई विनय आया आज, उसका विनय का वर्किंग था, तो ही वॉज अ बिट टायर्ड। तो मैंने इतने में राइडिंग गियर पहने और विनय ने अपना नैप ले ली, सो गया। तो आई थॉट थोड़ा आराम कर ले। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू रॉक एंड रोल। एंड लाइट अच्छी है, लाइट का थ्रो अच्छा है, स्काउटिक से काफ़ी अच्छा है। विनय की बाइक के पैनियर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आरी के पैनियर्स हैं ये, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट लुक्स गुड। आई डोंट नो इसने ये सिल्वर क्यों लगाया है ब्लैक बाइक पे। मैं होता तो मैं ब्लैक लगवाता, बट ठीक है यार, कलर इज इंडिविजुअल चॉइस। और पुश करते हैं बाइक को। फाइनली यार, स्पीति वैली इज ऑन। बहुत ही ज़्यादा खुशी राइड पे निकलने की जो होती है ना, जो फर्स्ट डे की खुशी होती है ना, वो एक्सट्रीम खुशी होती है वो। ट्रिप मीटर मैंने दोनों जीरो कर लिए हैं अपने, 1B 2B। ऑलरेडी हम 10 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। माइलेज आपको बताते रहेंगे, किलोमीटर बताते रहेंगे आपको, और आप स्पीड तो देखते ही रहोगे आप कितनी आ रही है। मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में, अमेजिंग। जो लो एंड है ना इसका, जो लो एंड से थ्रिल मिलता है, ओ हो हो, उसका कोई मैच नहीं है भाई, कोई मैच नहीं है उसका। हिमालयन में वो चीज़ मिसिंग है जो चीज़ इस बाइक में बहुत स्ट्रांग है। दिस इज फन बाइक, फन। और वैसे भी जब सैडल बैग ना हो ना आपके पास, जस्ट टेल बैग हो, टॉप बॉक्स हो, तो बाइक वैसे ही आपको काफ़ी निम्बल और लाइट फील होती है। और आज अपने पास सैडल बैग नहीं है। ग्रेजुअली ना मैं बहुत लाइट पैक करने की जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरी पुरानी आदत थी कार में जाने की और सब कुछ सामान भर लेने की, बट थोड़ा सा मैं ट्रेंड हो गया हूँ मैं। फाइनली करनाल बाईपास, और यहाँ पर राजेश भाई वेट कर रहे हैं अपना, या वो वेट कर रहा होगा या हम उसकी वेट करेंगे भाई। इस टाइम जो है हाईवे के राजा होते हैं ट्रक, 2 लेन हो, 3 लेन हो, 4 लेन हो, हाईवे पे सब लेन में ट्रक, ट्रक ही ट्रक। ये देखो भाई, स्पीति वैली का खर्चा, पैनियर्स, नया टेल बैग, नई राइडिंग पैंट, 28,000 के जूते। भाई साहब, पैसा हो तो ऐसा हो, अंधा वरना हो ही ना। स्वाद आने चाहिए, पूरे स्वाद। स्वाद आ नहीं रहा अभी भी, अब आगे चल के 1.5 लाख की भाई ने शॉपिंग कर दी है। देखो हेलमेट, देखो हेलमेट, बूट, बैनियर, ये देखो क्या बात है, सेना एकदम टॉप एंड, टॉप एंड, सब टॉप एंड। ये है देखो, जाट भाई, जाट 16 दुनिया 8। लो जी, आ गई एक और हिमालयन। क्या बात है राजेश भारद्वाज, है ये
ये बहुत गंदा आदमी है। देखा बेचारा अभी भी नींद में है ये। अब पहले काम ये कराना है कि पेट्रोल भराना है अपनी बाइक में, टॉप अप करवाएंगे यहाँ से, और उसके बाद शाय शाय करते हुए हम पहुँच जाएंगे सीधा स्पीति वैली। मन तो यही कर रहा है कि नॉन स्टॉप पहुँच जाए स्पीति वैली, बट काफ़ी दूर है। बाइक चलती है तो सही लग रहा है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। ज़बरदस्त बाइक बना दिया यार ट्रायम वालों ने, बजाज वालों ने मिलके, मज़ेदार एकदम। लेट्स पुश। Okay, जी अपना ट्रिप मीटर 2 हम करते हैं 0, ये हो गया 0, और अपना ट्रिप मीटर 1 जो है दिखा रहा है अपना टोटल ट्रिप का डिस्टेंस। चेक करेंगे माइलेज, आपको दिखाएंगे कितनी माइलेज आ रही है। फाइनली मुरथल, मन तो कर रहा है यार पराठे खाने का, लेकिन ना पेट भर जाएगा फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ रुके या ना रुके। मुरथल पे यार खाना खाए बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम भी हम आए थे तो भी हम बस रात में था कि निकल गए थे, क्रॉस कर गए थे। कोई नहीं, आते हुए खाएंगे होपफुली। फर्स्ट 100 किलोमीटर ऑफ स्पीति वैली राइड इन ऑलमोस्ट 1.5 आवर। मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चलते हुए रुकते हुए बहुत ही वाहियात लग रहा है। और अब ना थोड़ा ना मज़ा आ रहा है, थोड़ी फील आ रही है, क्योंकि ना स्पीति वैली का जो ट्रिप है इसमें बेस्ट बात ये है, कंपेयर टू लद्दाख जो हमने किया था कश्मीर से, और बहुत लंबी राइड थी प्लेन की, और ये हमारी जो राइड होगी प्लेन्स की वो काफ़ी छोटी है। मतलब हम अम्बाला के बाद जो है चंडीगढ़ से पहले राइड मुड़ जाएंगे, पंचकुला से होते हुए चढ़ जाएंगे पहाड़ों में, तो पहाड़ बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ये ना बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है यार। ओके जी, एग्जैक्टली 150 किलोमीटर्स, और हम ले रहे हैं पहला ब्रेक, क्योंकि वीरे भाई को भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही है उसको, एंड इट्स नॉट गुड यार, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसे कंडीशन में राइड करो। तो थोड़ी नैप ले लेंगे और हम कुछ खा लेंगे। अपना रॉयल हट पे पहुँच गए हैं, तो हम पहुंच गए करनाल। ये देखो अपनी बाइक्स खड़ी हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज स्क्रैम्बलर ओनली। क्या कहना है आपका? मेरा कहना मत पूछो, अब पर पूछो। ये देखो एक खिलाड़ी ने पहले ही डाल दिया तैयार। ये आ गया अपना पराठा आलू प्याज का, जो सोएगा वो खोएगा। पकौड़े बढ़िया लग रहे हैं यार ये। हाँ भाई, हम लोग यहाँ पहुँचे थे अंधेरे के अंदर, और अभी देखो रोशनी हो चुकी है पूरी। ये देखो ये है हमारी स्लीपिंग ब्यूटी। You just gotta hold on to your path, what feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right, I know you rather wanna fly than fight. चलो जी चलते हैं एक छोटे से 1 घंटे 45 मिनट के ब्रेक के बाद। हैं राजेश, हमारा ये ट्रिप जो है स्पीति वैली ना होके स्लीपी वैली बन गया है, थैंक्स टू जसन भाई। हमारी स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ नहीं भाई, भाई आया हमारे लिए, ये बात तो सही है, थका हुआ था तभी ये हमारे लिए राइड पे आया, ये बड़ी बात है। मुद्दे की बात ये है, जोक्स अपार्ट, इसके लिए भाई का थैंक यू है, लेकिन मस्ती मजाक चलता रहेगा और हम प्यार से लेते रहेंगे। अपनी बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, उम्दा परफॉर्म कर रही है। चलेंगे थोड़ा खींच के, क्योंकि भाई 8 बजे के आसपास ना, 8-9 बजे तक सारा जो है अपना जो ट्रैफिक है वो चालू हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि भाई थोड़ा स्पीड से हम जो है एटलीस्ट सोलन को जो है क्रॉस कर लें 9 बजे तक। आई एम नॉट श्योर कि सोलन यहाँ से कितना लंबा कितना दूर है, टाइम इज ऑलरेडी 6। लेट्स पुश। Yes.
120 पे ये बाइक ऐसे ही पहुंच जाती है मजाक मजाक में। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम जीरकपुर में और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुँचेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ करें आशकी, हमने आशकी तो करनी नहीं है, हमने आशकी करनी है पहाड़ों से, हम राइट जाएंगे। तो अब ये जा रही है रोड स्ट्रेट अपनी सोलन और शिमला एंड अभी भी 10 घंटे 51 मिनट मतलब 11 घंटे का रास्ता और बाकी है चितकुल का। अभी तक हम श्योर नहीं है कि कहाँ पहुँचने वाले हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है और वेदर अपने साथ में है, क्लाउडी है, बेस्ट वेदर है ये, क्लाउडी, बारिश अभी तक नहीं हो रही है, धूप अभी तक आई नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। बस यही था यार कि हम ना इस स्ट्रेच को, ये बहुत क्राउडेड रहता है, इसको हम टाइम से क्रॉस कर लें ऑफिस टाइम से पहले। तो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 7:45, अपने स्कैम्बलर आगे चल रही है और दो हिमालयन पीछे चल रही है अपने, स्कैम्बलर इज ऑलवेज बेटर यार। अरे यार हिमालयन वाले भी आ जाओ यार, आगे आ जाओ तुम भी यार, थोड़ा चल लो यार, पावर नहीं है क्या बाइक में? और आज ना हम तीनों जो है व्हाट्सएप कॉल से कनेक्टेड है तो बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेंसर्ड बातें भी हो रही हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते। ये जीरकपुर से राइड ले लिया हमने टूवर्ड्स कालका, क्या जबरदस्त नज़ारे हैं ये देखो मेरी नज़रों से। अब देखो कैमरे की नज़रों से, ओके अमेजिंग व्यूज, लेकिन भाई ह्यूमिड है बहुत ज़्यादा, जब तक हम शिमला पहुँचेंगे नहीं तब तक चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि चल रहे हैं तो ठीक लग रहा है, अदरवाइज जो है फिर थोड़ा ह्यूमिड लग रहा है। अपनी बाइक चल चुकी है सुबह से मतलब रात से 269 किलोमीटर्स और अभी जो है इसमें रिफ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है, पेट्रोल पंप मिलेगा तो करवा लेंगे फ्यूल, अभी रिजर्व लगा नहीं है इसमें यार। वी आर लिटरली क्रॉसिंग द क्लाउड्स, बादलों के बीच में से जा रहे हैं और जो एरिया है दिस इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया और हमने ऑलमोस्ट आई थिंक क्रॉस कर लिया है। वाओ बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है यार, बारिश आने की उम्मीद लग रही है मुझे, अचानक ही मुझे लग रहा है कि बारिश ना एकदम तेज मिलेगी हमें आगे, ये देखो क्या स्ट्रेच है यार, वाओ दिल एकदम ना खुश हो जाता है यहाँ का ना, अब ऐसे ही आपका खून बढ़ जाता है। फाइनली हम पहाड़ों में पहुँच गए हैं और पहाड़ों में आके हमने प्लेन्स का सिटी का सब कुछ त्याग दिया है, ये देखो फेस साफ किया मैंने, मिट्टी मिट्टी निकली है पूरे फेस से ना, तो हमने सारी जो है प्लेन्स की मिट्टी वो त्याग दी है हमने और यहाँ हम करेंगे कॉफ़ी का और चाय का सेवन। जासन भाई इस भाई की वजह से हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं ना, हमें लग रहा है हम स्पीति लेना पहुँचे आज लेकिन भाई आ गया, आई लव यू भाई, भाई थका हुआ था लेकिन तब भी आ गया हमारे लिए। बस यार मौसम ऐसा ही रहे, बारिश ना हो, क्लाउडी रहे, बादल देख लिए हम खुश है, हमें बारिश की कोई चाह नहीं है, एटलीस्ट आज बहुत लंबा डिस्टेंस हमने कवर करना है, होपफुली चितकुल पहुंचते हैं, बाकी देखते हैं आ जाएगी देखा जाएगा क्या हो गया। चीयर्स कोल्ड कॉफी और चाय का चीयर्स। लेट्स गो, हो गया अपना ब्रेकफास्ट, अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो गया, बादल थोड़े चढ़ गए हैं, टाइम बढ़ता हुआ 8 बजे दिखा रहा है पहुंचने का टाइम चितकुल का 10 घंटे का रास्ता और बाकी है, 9:30 हो चुके हैं, अब खींचते हैं देखते हैं 860 9.3 डिवाइडेड बाय 9 जबकि 29 30 के आसपास की माइलेज आई है, क्योंकि मैंने पहले जो है बिल्कुल फुल नहीं कराया था टॉप तक, अभी इसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फुल करा लिया एकदम, तो बिल्कुल ना ऊपर तक आ गया, तो 29-30 की माइलेज आई है विच इज़ वेरी गुड एंड मैं सरप्राइज हूँ कि जैसे मैंने बाइक भगाई है उसके अकॉर्डिंग भी 30 की माइलेज आ रही है, बाकी आगे चेक करेंगे दोबारा ट्रिप मीटर को करते हैं 0। वैसे ना ऐसे मौसम में ना मुझे लगता है रुको फिर चलो, रुकोगे स्वेटिंग होगी अंदर और चलोगे तो वही जो स्वेटिंग है ना ठंडी वहाँ लगती है, ये है एकदम प्रो टाइप की टेक्निक मैंने दे दी आप लोगों को। और हम ये कहाँ पहुँच गए हैं, धर्मपुर हिमाचल, गर्मी भी नहीं है ठंड भी नहीं है और ये ना थोड़ा डेंस जैसे होता है ना ये फॉरेस्ट एरिया, नॉट फॉरेस्ट एक्जैक्टली, ये थोड़ी ग्रीनरी है ना, ये डेंस होने स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपके पास ही है शिमला, वी आर अबाउट टू रीच शिमला एंड वेदर इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त धमाकेदार ताबड़तोड़ मौसम हो रहा है यार, बहुत सही हो रहा है मौसम, हल्की सी ठंडक आ गई है हवा के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है यार, इको पॉइंट शिमला फॉरेस्ट, यस शिमला पहुंच गए हम, वाओ यार
और देखो हम निकले हैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे और अभी इस टाइम आई थिंक 11:30 बज गए हैं। ना मेरी ये वॉच ठीक है ना ये वॉच टाइम दिखा रही है। अब फटाफट से क्रॉस करते हैं शिमला को और पहुंचते हैं कुफरी और कुफरी क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं नारकंडा और उसके आगे देखेंगे क्योंकि ना विनय का थोड़ा बुरा हाल है तो उसको जो है अभी मैनेज करना पड़ रहा है। जितना मतलब मैनेज हो पा रहा है उतना ही कर रहे हैं, पुश नहीं करेंगे यार। हमारा तो मूड है चितकुल पहुँचने का, उसका भी मूड है इनफैक्ट, लेकिन लेट्स सी, एंजॉय करना ज़रूरी है, दौड़ाना नहीं बिना मतलब के। ट्रैफिक आज संडे है और ट्रैफिक तो है भाई, थोड़ा बहुत तो है ही, थोड़ा बहुत से ज़्यादा ही है। हिल्स पे थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिल जाता है बाइक वालों को, इसमें कोई शक नहीं है। कुफरी के आसपास यूँ मतलब कुफरी पहुँचने वाला हूँ, पता नहीं मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते से आ गया हूँ मैं। और यहाँ कुफरी में ठंड है, हल्की हल्की ठंड है, मज़ेदार। ओके जी, अब कमाल की बात यह है कि नींद भाग गई बिल्कुल। अरे भैया ब्रेक लेते हैं, पिछवाड़ा मेरा। टाइम हो गया इस टाइम 1:00 बज गए हैं और मौसम देखो, वहाँ है क्लाउडी और यहाँ है धूप। मौसम भी हमारी तरह कंफ्यूज है कि हमें जाना कहाँ पर है, चितकुल जाना है, रामपुर बसर जाना है, नारकंडा जाना है, किसी को नारकंडा जाना है, किसी को जाना है चितकुल सीधा जाना है। ये इंसान चितकुल वाला है, ये सवारी है अपना नारकंडा की, ये सवारी पता नहीं कहाँ गई है, कंफ्यूज है, ये तो वापस जाने वाला था। फिलहाल चाय फैन आ गई है, मैगी बन रही है, खाते हैं और चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। मज़ा आ रहा है पर स्वाद आ रहे हैं पूरे, अब ना मतलब थोड़ी बहुत ना फीलिंग वो आ रही है, अब नींद भाग चुकी है हमारी फिलहाल के लिए। इस बार तो मुझे लगता है अगर मैं हिसाब लगाऊंगा ना अभी तक का, रात से लेकर अभी तक हमने कितना ब्रेक लिया है, कितने घंटे का ब्रेक लिया और कितने घंटे हम चले हैं, तो शायद हम चले कम हैं, ब्रेक हमने ज़्यादा टाइम का लिया है। बट मज़ा आ रहा है मौसम का, बहुत बेहतरीन मौसम हो रखा है, एकदम बढ़िया वाला, सपना सा लग रहा है ऐसे ना बिल्कुल अमेजिंग यार, बहुत ही सही लग रहा है। प्रॉपर हम क्लाउड के बीच में से जा रहे हैं, क्लाउड्स के बीच में से जा रहे हैं। पूरे रास्ते हमें ऐसे मिला है अभी तक, जब से हमने जो है अपना अपहिल स्टार्ट किया है कालका के बाद से, और बारिश नहीं हो रही है कहीं पर, ये तो मतलब अच्छी खबर है अभी तक की। सामने कुछ दिख नहीं रहा, क्लाउड्स ही हैं। ड्रोन फुटेज लेने का सोच रहा था मैं, लेकिन लूँगा क्या, क्लाउड्स ही आ रहे हैं, बीच में उड़ाया था ड्रोन मैंने, पूरे क्लाउड्स आ रहे हैं। ये देख रहे हो सामने जो पूरा पर्दा लगा हुआ है, ये हैं एप्पल के पेड़, और इनको बचाने के लिए ना बारिश से और जो है पूरा इनको कवर किया हुआ है। और यहाँ पर जो है किन्नौर से पहले यहाँ पर इस बेल्ट में एप्पल की फार्मिंग होती है, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 3-4 किलोमीटर है नारकंडा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग स्ट्रेच ऑन स्पीति वाली ट्रिप। मज़ेदार व्यूज़ है, एकदम घने जंगल है यहाँ पर, मतलब फॉरेस्ट टाइप फीलिंग आती है। और यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउस भी हैं यार, देखते हैं अगर मिलता है कोई, ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या होती होगी यहाँ पर ना, ज़बरदस्त। फाइनली वी आर एट नारकंडा, छोटी सी मार्केट है नारकंडा की, और अब तलाश शुरू होती है यहाँ पर होम स्टे की। यार बिल्कुल ना भीड़ भाड़ में तो मूड ही नहीं करता रहने का। ये हमारा लंच है यार, ब्रंच है यार, टेस्टी है, मजा आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद स्वादिष्ट। ये देखो जी, ये है वो स्वादिष्ट चीज, और ये है स्वादिष्ट का मूड। चलो जी अब चलते हैं और तलाश शुरू करते हैं आज के स्टे की। ये है नारकंडा का बस स्टैंड, और हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट तो पहुँच जाएंगे रामपुर बसर, चितकुल और स्पीति वैली, और ये इस रास्ता जाता है आपका हाटू पीक, जो कि बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, वहाँ पर एक टेंपल भी है। बट फिलहाल जा रहे हैं हम यहाँ पर किसी होम स्टे की तलाश में। देखो एकदम प्रॉपर जंगल वाली फीलिंग है, यहाँ पर हमने लास्ट ईयर स्टे किया था, लास्ट टाइम नॉट लास्ट ईयर। ये जा रहा रास्ता ऊपर हाटू पीक का, और हम जा रहे हैं यहाँ पर एक होम स्टे की तलाश में,
ये देखो -5 की स्पीड पे हो रही है सेटलिंग। वाओ यार क्या जंगल में मंगल वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ मजा आएगा रात को राइड करने का। सही सही सही। लो जी आ गई ऑफ रोडिंग। भाई साहब आराम से ऐसे स्टेज पर लगता है कि ये पीछे की ब्रेक जो है ना सेंटर्ड होती तो थोड़ा अच्छी ब्रेक लगती। ओके ये है ट्री लाइन कॉटेज एंड कैफे। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। और ऊपर है क्या बात है। सही बहुत सही। सारा एडवेंचर यही होगा स्पीति वैली का। तो फाइनली हमने रूम ले लिया है ट्री लाइन कॉटेज कैफे। कांटेक्ट आ रहा होगा इन केस यू वांट टू कम। अब दिखाता हूँ आपको लोकेशन में। ये खड़ी अपनी बाइक्स और पीछे देखो पूरा क्लाउडी है। यहाँ पूरा क्लाउडी है। अभी चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के कॉटेज जहाँ हमने स्टे किया है। अमेजिंग प्लेस मिडल ऑफ जंगल। नीचे पूरी जो है एप्पल की फार्मिंग है पूरा कवर किया हुआ है और पूरा क्लाउडी है। डेंस क्लाउडी है और कमाल की बात यह है तो क्लाउडी बट बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। एक बूंद भी जो है पानी नहीं बरसा है। और ये हमारा कॉटेज है डुप्लेक्स ऊपर है नीचे है। वेलकम टू आर स्टे इन नारकंडा। ये अपना ड्रोन पड़ा हुआ है और ये पूरा बेड है सेम जो है ऊपर है बेड। अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के बढ़िया ड्रोन शॉट्स। 3, 2, 1। आ गया अपना डिनर। ये है हिमाचली लिंगड़ की सब्जी मटर पनीर दाल चावल और सलाद। हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।